ठीक है सर। देखो आज मैं बात करने वाला हूँ गदर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, साथ में भाई इसकी आज की एडवांस बुकिंग के बारे में बात करूंगा मैं। लेकिन भाई एक चीज़ बता दो, जैसे मैंने आपके पहले वीडियो में आपने बताया था कि भाई सही में पठान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी, तो अब ऐसा ही लग रहा है कि नहीं तोड़ पाएगी भाई। आज ही बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है इसके ऊपर, तो भाई बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भाई वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अब इसके भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर आते हैं भाई। देखो इसने अभी तक में लगभग लगभग 400 करोड़ के आसपास ने कमा चुकी है, और सही में यार अभी भी कलेक्शन बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बढ़ नहीं रहे। लेकिन इसके एडवांस बुकिंग में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि मैं बता दूं कि जो आज की एडवांस बुकिंग हुई है लगभग 3 करोड़ के आसपास की कमाई है अभी तक में, और लगभग 1.5 लाख के आसपास ने टिकट सोल्ड आउट किए हैं, ठीक है। कम नहीं है, हाँ कम नहीं है, लेकिन 3 करोड़ सिर्फ कमाई है अभी तक। लेकिन भाई जो पहले जितने भी अभी तक कमाई थी वो ज़्यादा कलेक्शन निकल के आ रहे थे, लेकिन आज सही में काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। और भाई सही में इसके शोज को भी काफ़ी ज़्यादा कम किया गया है। पहले भाई 5,000 के आसपास समथिंग समथिंग था, अब लगभग 4,000 के आसपास इसको शोज को कम किया गया है। हाँ अब धीरे धीरे शोज कम हो रहे हैं इसके, तो भाई इसकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है इसके एडवांस बुकिंग में। लेकिन भाई ये मैं सोचना कि एडवांस बुकिंग कम है तो भाई ये पैसा कितना कमाएगी आज के दिन। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ भाई सही में 15 करोड़ से ऊपर ही कमा के जाएगी आज के दिन, और सही में ये भी काफ़ी बड़ा कलेक्शन होगा इसके लिए, क्योंकि भाई अभी कम नहीं इसका क्रेज बन कम हुआ है, क्योंकि भाई अभी भी क्रेज इसका बढ़ ही रहा है। तो भाई सही में ये मैं सोचना कि एडवांस बुकिंग कम हुई हो तो ये पैसा कितना कमाएगी, लेकिन भाई बता दूं आज के दिन भी लगभग 15 करोड़ से ऊपर की कमाई करेगी, ऐसा भाई दावा किया जा रहा है। और सही में अगर ऐसा हो तो सही में गदर 2 के लिए काफ़ी अच्छा है। और सही में ये मैं बता दूं भाई पठान के रिकॉर्ड अभी भी नहीं तोड़ पाएगी, बहुत सारे बंदे ऑफेंड हो जाते हैं भाई, ये बता दूं अभी भी पठान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी। हाँ बाहुबली के हिंदी कलेक्शन का रिकॉर्ड ये आराम से तोड़ देगी, जो कि 510 करोड़ के आसपास है, ये मैं मानता हूँ। अगर ये वीकेंड ये चलती है तो सही में ये वीकेंड में अगर ये काफ़ी रफ्तार के साथ चलती है, जैसा अभी चल रही है, बताया जा रहा है कि 15 करोड़ से ऊपर कमाई की, अगर ऐसे चलती है तो हाँ तब जाके बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। अगर भाई डाउन होती जाती है, क्योंकि अभी अभी जवान का भी ट्रेलर आने वाला है, और भाई साथ में भाई और भी मूवीज़ के ट्रेलर आने वाले हैं, सलार का भी आने वाला है, उसकी वजह से भाई शायद क्या पता इसकी इसको गिरावट के नीचे सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अभी भी बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवी आने वाली हैं अगले महीने, तो हो सकता है कि भाई इसके शोज को भी कम किया जाए। तो यार मुश्किल ही चांस है कि यार लगभग लगभग ये लगभग मेरा मानना जो है लगभग लगभग 450 करोड़ के आसपास से कमा के जाएगी। अब देखना है कि भाई कितना कमा के जाती है, या भाई इससे ज़्यादा भी कर सकती है, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ भाई आज का जो कलेक्शन निकल के आ रहा है लगभग लगभग भाई 15 करोड़ से ऊपर ही कमा के जाएगी। तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है ये पठान को बीट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, और तुम्हें क्या लगता है भाई गदर 2 तुमने जाके देखी कि नहीं देखी, तुम्हें कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कहीं सर वीडियो में आपको भी अच्छा लगता तो वीडियो को तो लाइक कर देना यार, और भाई चैनल पर ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और भाई तब तक के लिए बस मैं आज के लिए अलविदा लेता हूँ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, बाय बाय।